हर किसान का सच्चा साथी सोनालिका ट्रैक्टर, अधिकृत विक्रेता साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, प्रोप्राइटर वीरेंद्र पूनम पटेल। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के आगे खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे, आप सागर एक्सप्रेस न्यूज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं। विकास को पागल होते आपने शायद न देखा होगा, लेकिन आज हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे कि भाजपा सरकार को होश ही नहीं है कि वो कर क्या रही है। खबर मध्य प्रदेश के सागर जिले की सुर्खी विधानसभा से जुड़ी है, जहां सुर्खी में इतने शिलान्यास और भूमि पूजन के पत्थर बना दिए गए हैं, इतने पोस्टर बना दिए गए हैं, इतनी लिखावट हो गई है कि अधिकारियों को मालूम ही नहीं है कि विधानसभा सुर्खी है या दूसरी विधानसभा। लिखाई और पोस्टर और शिलान्यास पत्थरों का काम इतनी तेज़ी से चल रहा है कि बातों ही बातों में ये अधिकारी दूसरी विधानसभा पहुंच गए और सुर्खी विधानसभा के जो अधिकृत भाजपा प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत, उनकी तस्वीर दूसरी विधानसभा में लगा बैठे, उनका नाम भी लिख बैठे। वो रहली विधानसभा थी जो गोपाल भार्गव का क्षेत्र है। देखिए ये मज़ेदार खबर कि पागल हो गया है अधिकारी कर्मचारी इस विकास के चक्कर में। विकास पागल सा हो गया है। अब शिवराज सिंह जब मुख्यमंत्री हों तो घोषणाएं तो हों। शिलान्यास के पत्थर ऐसे बनते हैं, भूमि पूजन और करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगातें इतनी उन क्षेत्रों को दी जाती हैं जहां चुनाव हैं। धड़ाधड़ योजनाओं के आने से बेचारा विकास पागल सा हो जाता है। अब हम बात कर रहे हैं सागर जिले की सुर्खी विधानसभा की, जहाँ उपचुनाव होने से दुनिया भर का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नेता सुर्खी पहुंच रहा है। 300 करोड़ की योजनाओं के इतने शिलान्यास और भूमि पूजन के पत्थर और विकास के पोस्टर अब बन चुके हैं कि इस विधानसभा को छोड़कर दो तीन विधानसभाओं में सुर्खी का विकास पसर गया है। चुनाव में सरकार इतना जोर लगा रही है कि आजू बाजू की विधानसभा में इसका असर देखा जा सकता है। सुर्खी से सटी हुई विधानसभा रैली है और रैली से विधायक और मंत्री गोपाल भार्गव हैं, लेकिन कंबकत अधिकारी और कर्मचारी सुर्खी विधानसभा के चुनाव में इतने मस्त हैं कि सुर्खी के पोस्टर कंबकतों ने रैली में जड़ दिए। अब आज प्रधानमंत्री आवास योजनाओं के तहत सभी विधानसभाओं में गरीबों को आवास का वितरण था, लेकिन रैली विधानसभा के चंद्रपुर सलैया गाँव में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के नाम से आवास का वितरण हो जाता है। बाकायदा दीवारों पर मंत्री भार्गव की जगह गोविंद सिंह राजपूत उकेर दिए जाते हैं। अब सारी चीज़ें इस वक्त प्रदेश की 27 विधानसभाओं में हो रही हैं जहां उपचुनाव हैं। मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी ने इन 27 विधानसभाओं में विकास का ठेका ले लिया है। भाजपा हाईकमान के निर्देशों का पालन करते करते कमबख्त अधिकारी और कर्मचारी विधानसभाओं का भूगोल ही भूल गए हैं। दुनिया का इतना फर्राटेदार विकास आपको सिर्फ मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलेगा। इस मामले में चंद्रपुर सलैया गांव के रोजगार सहायक और सचिव की गलती मानी जा रही है। अधिकारी अपनी गलती छुपाने के लिए छोटे छोटे कर्मचारियों की नौकरी खा जाएंगे। मंत्री गोपाल भार्गव ने अपने क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास गरीबों के बनवाए हैं। यह विधानसभा विकसित विधानसभा क्षेत्रों में आती है। क्या मामला है आपकी पंचायत का? मामला ये है कि 4 बजे नंदराम ने हमें लगाया फोन। जी जी। कि जो कुटी है अपनी, इस पे जो पीसीओ मैडम अधिकारी जनपद की, गजानंदन चढ़ा रहे कड़ू विलोदी जी, इनके द्वारा गोविंद सिंह का नाम लिखा गया जी सुर्खी विधानसभा की विधायक जी जी, और हमारे मंत्री जी का अपमान किया गया जी जी, जो हमारे लाड़ली विधायक है अपने यहाँ की जी, उनका अपमान किया गया। इनको मालूम नहीं है कि कौन सी विधानसभा है? नहीं, उनको कोई जानकारी नहीं इसकी। अनपढ़ है क्या? क्या मालूम उनका, तो उनको इतना ध्यान तो होगा कि जो विधानसभा में रह रहा है उनका नाम तो लिखना था। क्या चाहते हैं आप इसमें? इसमें कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग आंदोलन करेंगे पूरी पंचायत की। सब एकमत में हैं? जी, पूरी पंचायत की एकमत में है, पूरे ग्रामवासी, हम लोग उनको वोट देख चुनते हैं। अच्छा, हम लोग आंदोलन करेंगे, उनकी बेइज्जती भाई इतनी बड़ी। कहाँ गए आप? सलैया। क्या मामला है सलैया का? ये मामला है सर के कर्मचारी यहाँ के पागल हैं सब सारे।
मतलब अपने क्षेत्रीय विधायक को नहीं जानते? हाँ, कौन है? अच्छा, कितने हितग्राहियों के कुटी पर ऐसा नाम लिखा गया है? लिखा है सबकी, सबकी अभी बनी है ना जितनी, ये सब पे लिखा हुआ है ऐसा। क्या चाहते हैं आप? अपमान हुआ मंत्री जी का। करीब कितने लोग शामिल थे आज के उद्घाटन में? आज बहुत 25-30 लोग थे। ये गलती है हितग्राहियों की, जो पंचायत के जो कर्मचारी हैं, जी जी, उन्होंने ध्यान नहीं दिया इस पे, मंत्री जी पे, ये नाम किसका लिखा है। क्या मानते हो आप, मंत्री जी का इसमें अपमान है? सही अपमान। क्या चाहते हैं? 35 सालों से यहाँ के मंत्री जी हैं, उनको एकदम से ऐसा करोगे तो उनको बरात लगेगा ही। क्या नाम है आपका? अल्लू रे कुमार। कहाँ के निवासी हैं आप? सलैया के। ये क्या मामला है, मंत्री जी का नाम क्यों नहीं लिखा गया? देखो, नौकरी कर पढ़े लिखे तो हैं, अनपढ़ हो ही पता रहता है कि हमारे क्षेत्र का विधायक। हम मानते हैं कि इन लोगों के द्वारा बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी गलती है ना। इसमें क्या चाहते हैं आप? कार्रवाई होनी चाहिए। तो कार्रवाई चाहते हम लोग, मंत्री जी का अपमान है ही, मंत्री जी का अपमान। अनपढ़ भी ऐसी गलती नहीं करते, क्योंकि अनपढ़ को भी पता है कि हमारे क्षेत्र का विधायक कौन है। क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि इस पर सख्त कार्रवाई हो, इसकी जांच हो, और कहीं इस पर जांच नहीं होगी और ना कार्रवाई हुई तो हम अपने नेता के लिए भूख हड़ताल करेंगे। हम ग्रामीण इकट्ठा होकर और कलेक्ट्रेट के सामने भूख हड़ताल करने को तैयार। इसमें आप अपने नेता का अपमान मानते हैं? इसमें हमारे नेता का बहुत बड़ा ही अपमान हुआ है। लेकिन सुरखी विधानसभा को अभी अभी शिवराज सिंह चौहान की घोषणाओं के पहिए लगे हैं, जो बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं। इतनी तेजी से कि सुरखी को छोड़कर विकास अन्य विधानसभाओं में विकास विकास चिल्ला रहा है। लक्ष्मी पांडे ढाना के साथ राहुल सिंह हिलगन, सागर एक्सप्रेस न्यूज ढाना। सागर एक्सप्रेस न्यूज के वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।